प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने अभ्यास 2.5 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए अभ्यास 2.5 के प्रश्न नंबर 6 को हल कराते हैं। m-m-1/2 = 1-m-2/3। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यदि कोई संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें उसके नीचे 1 लगा लेना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा m-m-1/2 = 1-m-2/3। ठीक है, अब हमें दोनों पक्षों के अलग अलग लैसे लेना है। इस पक्ष का भी लैसे लेना है, बराबर इस पक्ष का भी लैसे लेना है। 1 और 2 का लैसे 2 आता है, यहाँ 2 रखें, 1 का भाग दें 2 में, 2 बार 2 गुणा m करते हैं 2m, माइनस माइनस, अब 2 का भाग देते 2 में 1 बार, तो 1 आएगा 1 ( m-1। इसी प्रकार हम इसको करते हैं, इनका लैसे 3, 3 में 1 का भाग देते हैं 3 बार, 3 गुणा 1 करते हैं 3, माइनस 3 में 3 का भाग देते हैं 1 बार, 1 गुणा 1 कोष्टक m-2 को गुणा करते हैं इससे, इस प्रकार से। अब क्या है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है, या 2m-1 × m, एम माइनस माइनस प्लस 1 × 1 = 1 बराबर बराबर 3 माइनस 1 × m, एम माइनस माइनस प्लस 1 × 2 = 2/3। इसके बाद हमें वज्र गुणा करना होता है, यहाँ आपने बटे 2 नहीं लगाया, यहाँ 2 भी लगाना है। वज्र गुणा, इसको 3 से गुणा करना है, इस संख्या को 2 से गुणा करना है। तो देखिए, या 3 से इस संख्या को पूरी गुणा करना है, 2m-m + 1 = 2 + 3-m + 2। अब देखिए, 2 + 3 = 6 6m - 3 × 3 + 3 = 3 3 = 2 × 2 = 2 × 4। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं, 6m - 3m, इस m को आगे लाते हैं, प्लस 2m = 6 + 4, ये 3 इधर जाएगा, -3। यहाँ देखिए, 6 और 2 8m हो जाते हैं, 8m - 3m = 6 + 4 = 10 - 10 - 3, 8m - 3 = 5m = 10 - 3 = 7, m = 7/5 आंसर। यहाँ आपको या लगाना है, या इस प्रकार से आपको समीकरण हल करने होते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, 3 * t - 3 = 5 (2t + 1) तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हल करते हैं, तो 3 से गुणा हो गए, ब्रैकेट की संख्या है जो 3 × t, 3t -
तीन गुणा नौ, तीन तिया नौ बराबर पाँच दूनी दस, दस टी प्लस पाँच एकम पाँच। अब इसके बाद में हम इसको पक्षांतरण करते हैं, या तीन टी माइनस दस टी बराबर पाँच प्लस नौ, या यहाँ देखिए दस टी और ये तीन टी प्लस के, तो यहाँ आपके पास में माइनस सात टी प्राप्त होगा बराबर नौ और पाँच चौदह हो जाते हैं। टी बराबर चौदह बटे माइनस सात का भाग देना है, टी बराबर सात एकम सात, सात दूनी चौदह माइनस का दो प्राप्त हो जाएगा। टी का मान यहाँ माइनस दो प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ। देखिए प्रश्न नंबर आठ, पंद्रह ब्रैकेट वाई माइनस चार ब्रैकेट बंद माइनस दो ब्रैकेट वाई माइनस नौ ब्रैकेट बंद प्लस पाँच कोष्टक चालू वाई प्लस छः बराबर जीरो। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हल करते हैं, या ब्रैकेट में क्या है, जो आगे पंद्रह संख्या है दी गई है उसको हम कोष्टक की संख्या से गुणा करते हैं। पंद्रह गुणा वाई, पंद्रह वाई माइनस पंद्रह चौको साठ माइनस दो गुणा वाई, दो वाई माइनस माइनस प्लस दुना में अट्ठारह प्लस पाँच गुणा वाई, पाँच वाई प्लस 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 ही होता है, पाँच गुणा छः, छः पंजो तीस बराबर जीरो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं, या पंद्रह वाई माइनस दो आई प्लस पाँच वाई बराबर, अब जीरो है बराबर, बाद में इस तीस को ले जाएंगे तो माइनस का तीस हो जाएगा, उधर जाएगा जब माइनस का अठारह और प्लस के साठ। तो यहाँ देखिए, या पंद्रह प्लस पाँच बराबर बीस वाई माइनस दो वाई बराबर, ये देखिए दोनों जोड़ते हैं हम इनको, तीस और अट्ठारह अड़तालीस प्लस साठ, तो अड़तालीस ये माइनस के हैं, माइनस लगाइए, बीस में से दो कम कर देते हैं तो आपको यहाँ प्राप्त होगा, या अठारह वाई बराबर, यहाँ देखिए माइनस अड़तालीस प्लस साठ, साठ में से अड़तालीस कम करते हैं तो आपको प्राप्त होंगे बारह, या वाई बराबर बारह बटे अठारह, या वाई बराबर इसका सरल रूप करते हैं छः दूनी बारह, छः तिया अट्ठारह दो बटे तीन, यह आपका प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ y का मान आता है दो बटे तीन। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर नौ। तो देखिए प्रश्न नंबर नौ, तीन ब्रैकेट पाँच जेड माइनस सात ब्रैकेट बंद माइनस दो ब्रैकेट चालू नौ जेड माइनस ग्यारह बराबर चार ब्रैकेट चालू आठ जेड माइनस तेरह कोष्टक बंद माइनस सत्रह। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम कोष्टक की क्रिया हल करते हैं, अर्थात या तीन को इस कोष्टक में जो संख्या रखी है उससे गुणा करना है। तीन गुणा पाँच, पांतिया पंद्रह जेड माइनस तीन गुणा सात, सातिया इक्कीस माइनस, इसी प्रकार इसको गुणा करते हैं, दो गुणा नौ, नौ दूनी अट्ठारह जेड माइनस माइनस प्लस दो गुणा ग्यारह, ग्यारह दूनी बाईस बराबर चार गुणा आठ, आठ चौको बत्तीस जेड माइनस चार गुणा तेरह, तेरह चौको बावन माइनस सत्रह। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको करते हैं पक्षांतरण, या पंद्रह जेड माइनस अट्ठारह जेड माइनस बत्तीस जेड बराबर
माइनस बावन माइनस सत्रह, ये 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22, और ये माइनस का 21 है, ये भी उधर जाएगा माइनस का 21, माइनस 21 हो जाता है। तो देखिए ये माइनस का 21 नहीं होगा, ये प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का है और ये दाएं पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 32 जेड है यहाँ पर, या 15 जेड, ये दोनों जुड़ रहे हैं, माइनस माइनस के हैं, तो माइनस के 18 जेड प्लस 32 जेड बराबर 50 जेड बराबर, ये देखिए तीनों ही आपको दिख रहे हैं, किसके हैं, माइनस के, माइनस का 52, माइनस का 17, माइनस का 22 और प्लस का 21 है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 2, 7 और 2, 9, 10, 11, 11 को 1 को हंसलाई, 1, 2 और 1, 3, 4 और 5, 9, 91, ये तो माइनस का है, प्लस 21। अब यहाँ देखिए आपको पता चलता है 50 में से 15 जेड घटाते हम, या तो यहाँ बचते हमारे पास में माइनस का 35 जेड बराबर, 91 माइनस के हैं, प्लस के 21 हैं, 91 में से 21 आप घटाओगे तो यहाँ आपको प्राप्त होंगे माइनस के 70, या जेड बराबर माइनस 70 बटे माइनस 35, या जेड बराबर, देखिए माइनस से माइनस कट जाता है और 35 दूनी 70, दो आंसर आ जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा, 35 दूनी 70, दो इसका आंसर आ जाता है, जेड बराबर 2। इसके बाद में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10, तो 10वां प्रश्न है, देखिए इसका प्रश्न नंबर अभ्यास 2.5 का प्रश्न नंबर 10, यानी अभ्यास 2.5 का ये अंतिम भी प्रश्न है। तो देखिए 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट चालू 10f माइनस 9। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट की क्रिया हल करनी है, या अब हम इसको इतना ही बड़ा हल कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 25 है, हैं 2.5 गुणा 4, 25 चौको 100 होते हैं, तो यहाँ लगाते हैं 100f। अब 100f तो आ गया, परंतु पॉइंट कितना छोड़ करके है, जी ध्यान रखना है आपको, दो संख्या छोड़ करके है, तो यहाँ आपका पॉइंट हो जाएगा 1.00f, ठीक है, 25 चौको 100 होते हैं, दो संख्या छोड़ कर पॉइंट है, तो दो संख्या छोड़ कर हमने पॉइंट लगा दिया 1.00f माइनस 2.5 गुणा 3 यानी 25 75, और पॉइंट कितने संख्या छोड़ के लगा हुआ है पीछे से 2, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट 0.75 बराबर 0.05 गुणा 10, 10 × 5 50, ये 50f। अब आप इसको भी देख लीजिए कि इसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, पीछे से दो संख्या छोड़ के लगा हुआ है, तो 50 में दो संख्या छोड़ के लगाने का मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 5 से पहले पॉइंट आ जाएगा, माइनस 0.5 गुणा 9, 9 × 5 45, इसमें भी आपको ध्यान देना है पॉइंट कहाँ लगाना है, पीछे से दो संख्या छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगाना है। अब आप क्या करोगे, इनका पक्षांतरण करते हैं, या 1.00f ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस को जाएगा, माइनस 0.50f बराबर माइनस 0.45, और ये इधर जाएगा प्लस 0.75,
पॉइंट से आगे हमने जीरो लगा दिया है तो ऐसी कोई बात नहीं, संख्या नहीं होती तो हम जीरो लगा सकते हैं। तो एक में से 1.00f - 0.5f यानी एक में से यानी एक रुपये में से 50 पैसे घटाओगे तो आपके पास में क्या बचता है, 50 पैसे बचते हैं। तो यहाँ या 0.50f प्राप्त होगा आपको बराबर। यहाँ देखिए 75 में से ये क्या है, माइनस का है, और ये 75 किसका है, प्लस का है। तो 7.5 में से आपको यहाँ पर से ये घटाना है, तो आप इसको घटाना नहीं जानते हो तो देखिए कैसे करते हैं, 7.75 और यहाँ आपको घटाना है 4.5 ये पॉइंट, तो 0 और 7 में से 3 गए 4 गए 3 तो 3.0, तो यहाँ बचेगा आपके पास में 0.30। ठीक है, तो f बराबर 0.3530 बटे 0.50। तो देखिए f बराबर स्पष्ट बात है ये जीरो कट गई, 3/5 आपको प्राप्त हो जाएंगे 3/5। और यदि आप इसमें भाग दे करके प्राप्त करना चाहते हो तो देखिए बराबर 0.5 × 30 0.06 भी उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें जितनी बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करते रहें, HW में करें, रफ कॉपी में करके देखें और इनका अभ्यास और दोहरान आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगला अभ्यास आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।